देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में गुरुवार से सोमवार तक भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि दक्षिणी राज्यों में पिछले दो हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है, जो अभी चार दिन और जारी रह सकती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। इन राज्यों में कई मौतें भी बारिश जनती घटनाओं के कारण हो चुकी हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 25 से 29 नवंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के अलग अलग हिस्सों में 26 और 27 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है। इसका मतलब है कि आज यानी कि 26 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में बारिश की पूरी पूरी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, कोमोरिन क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी के साथ दक्षिण तमिलनाडु तट पर 25 और 26 नवंबर को तेज हवा की संभावना है। आज 26 नवंबर है, ऐसे में इन इलाकों में आज तेज हवा की स्थिति बनी रह सकती है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में ना जाने की सलाह भी दी गई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ धुंध है, वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है। ऐसी ही स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है। हालांकि उसके बाद 27 नवंबर से इसमें मामूली सुधार होने की उम्मीद है। दरअसल 27 नवंबर को हवा तेज हो सकती है, जिससे वायु से प्रदूषक कण छिटक जाएंगे और विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।